हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी एंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शिक्षक भर्ती को लेकर एक और अपडेट लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख चुके होंगे, सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है कि वर्ग दो का मतलब शिक्षक पद का तीसरा काउंसलिंग के लिए कट ऑफ रैंक जारी कर दिया गया। कल से ही उसका क्या है काउंसलिंग का है। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बनाया हूँ कि कई लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, सीधा हम लोग साइट में आते हैं edu.portal.cg.nic.in। ये मेन साइट है, इसी में आपका काउंसलिंग हो रहा है, इसी में सब सूचनाएं आपको मिलती है। आप भी चेक करते रहा करें इसको, इसमें जाएंगे। देखिए डीपीआई कैसा काम कर रहा है भाई, गलती पे गलती करते जा रहा है। अभी अपलोड किया देखिए, सहायक शिक्षक पद की तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग। देखिए सहायक शिक्षक तृतीय पद की ऑनलाइन काउंसलिंग के नाम से अपलोड कर दिया है। एक सेकंड रुकिएगा, बैक कर डाला मैं। मतलब ये कि थोड़ा सा लापरवाही पूर्वक काम किया जा रहा है, हर चीज़ को थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे। सहायक शिक्षक लिखा है और अंदर में क्या है, जब इसको हम लोग खोलेंगे तो टीचर वर्ग दो का निकलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, परेशान मत होइएगा कि सहायक शिक्षक आ गया है क्या करके। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं, देखिए मैंने क्लिक किया, ये खोल रहे हैं। अंदर क्या खुलेगा देखिएगा आप लोग, ये अंदर खुल रहा है आपका शिक्षक का। देखिएगा ये है आपका, आप लोग देख ही चुके होंगे, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये है आपका शिक्षक पद की तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तो उसको वहाँ पे शिक्षक लिखना चाहिए था ना, सहायक शिक्षक लिख दिया है। तो ये देख लीजिएगा, OBC पिछड़ा वर्ग वालों का 1603 से 1759 तक आया है, ठीक है। और बाकी जो 80 लोग बोल रहे थे उसको इसमें दिव्यांग में ले लिए हैं बाकी को, ठीक है। और जनरल में 0 है, भूतपूर्व सैनिक में उसमें दिया गया पोस्ट को। तो ये कट अप तो आप देख ही चुके होंगे और व्हाट्सएप में आपको मिल गया होगा। बाकी ये है कि देखिए इसका ऑनलाइन काउंसलिंग कल होना है, 22 सितंबर 2023 दोपहर 12 बजे से लेकर 24 सितंबर शाम को 5 बजे तक है। 3 दिन का समय दिया, 3 दिन में 2 ही दिन मिलेगा मान के चलो, क्योंकि 1 दिन तो स्टार्ट ही नहीं होता, वो 22 की जगह 23 को स्टार्ट होगा, ऐसा हो जाता है कंडीशन। डीपीआई का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा है, तो देख लीजिएगा, जिनको भी करना रहे जल्दी से मार दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। सहायक शिक्षक का देखिए, आप पूरी आपको सहायक शिक्षक बारे में भी बताते नहीं बोल रहे, तो हम लोग पता करें ऑथेंटिक रूप से, जब तक पता नहीं चलता तब तक हम लोग नहीं बताते। अब देखिए अभी ये पता चल रहा है, अभी तक के कोई कंफर्म नहीं हो पाया कि है कि इसके तीसरे चरण के बाद उसका दूसरा चरण करवाया जाएगा। पहले शिक्षक का तीसरा चरण पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 1001 लोग को बुलाया था, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो सहायक शिक्षा में जाने वाले थे, अब वो सब इसमें आ जाएंगे, तो आपका सहायक शिक्षा का रैंक और नीचे घटेगा, आगे उसका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में नहीं जाएगा तो जो तीसरा काउंसलिंग आएगा सहायक शिक्षक का, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में नहीं जाएंगे उन लोग डायरेक्ट उसमें ऐड हो जाएंगे और तुरंत तीसरा काउंसलिंग भी आ जाएगा 3-4 दिन बाद, ठीक है। तो वही है, इसीलिए सहायक शिक्षक दूसरा काउंसलिंग को थोड़ा सा रोका गया है कि दूसरा का ये इसका तीसरा काउंसलिंग हो जाए, फिर सहायक शिक्षक का दूसरा काउंसलिंग करवाएंगे, तो वहाँ जो इन लोग तीसरे चरण वाले हैं वो उसमें नहीं जाएंगे DV के लिए, तो पोस्ट डायरेक्ट तीसरे काउंसलिंग लिए चला जाएगा। ऐसे में क्या है, अभी DV करा लेते हैं तो फिर गया रिजर्व हो गया पोस्ट, समझो उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर वो ज्वाइन नहीं करेगा तब जाके वो एड होता है, तो उसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अभी वही मान के चल रहे हैं, बाकी जैसा जो भी अपडेट मिलेगा सटीक रूप से हम आपको देंगे। इसीलिए अभी सहायक शिक्षक बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कंफर्म कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा था, ठीक है। बाकी उम्मीद जता रहे हैं कि इनका देखो 22 से 24 तक इनका ऑनलाइन होना है, फिर ये 25 को एक ही दिन में कर देंगे या 26 को, 2 दिन में ये निपटा देंगे DV का जो प्रोसेस है उसको, ठीक है। फिर 27 को आपका आ जाएगा सहायक शिक्षक का चलेगा, या 26 से ही चलेगा, ऐसा मान के भी चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर कर दीजिएगा।